Welcome students, today we will start chapter number 5 which is understanding elementary shapes. इस chapter में हमें questions तो करने के लिए ऐसे कोई important नहीं है, but यहाँ पे shapes को जानना, shapes को समझना बहुत ज़्यादा important चीज़ है जो हम आज बात करेंगे. तो किसी लाइन, फर्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट. किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर किस तरीके से किया जाता है, ये हमको सीखना है यहाँ पे. देखिए, एक तो हम देख के उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक हम उनको डिवाइडर से या रूलर से भी कंपेयर कर सकते हैं. तो रूलर हमारा मेन थिंग होता है, स्केल जिसको हम बोलते हैं. किसी भी लाइन को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे क्या लिखा होता है, ज़ीरो लिखा होता है स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट. जो देखिए ये वाला स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से जो ये पॉइंट है, यहाँ से हम किसी भी लाइन को मेज़र करना स्टार्ट करते हैं. वह चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो, उसको मेज़र कर लिया जाता है विद द यूजिंग स्केल. तो हम यहाँ सिर्फ लाइंस की, पॉइंट्स की, इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे. तो देखिए, फर्स्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इन लाइन कंपेयरिंग द सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब होता है सिर्फ देख के लाइन को ऑब्जर्व करने में क्या डिसएडवांटेज होता है. फॉर एग्जांपल, ये दो लाइंस हैं, अगर हम देख के मेज़र कर रहे हैं तो वी नो दैट दिस लाइन इज़ लेंथ इसकी ज़्यादा होगी और इस वाली लाइन की कम होगी. बट अगर कहीं पे दो इक्वल लाइंस आ जाती हैं तो हम थोड़ा देख के मेज़र नहीं कर पाते. अगर किसी में माइनर डिफरेंस होता है तो उसको ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन से मेज़र नहीं किया जा सकता. तो नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे रीज़न देना है. वैसे देखिए, ये आपको जो चैप्टर है इसके आंसर्स नोटबुक में नहीं करने हैं. इस चैप्टर को सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको. इसके अलावा मैं इसके क्लास नोट्स आपको हैंड रिटन भेज दूंगा, वो आप अपने नोट कर लेना. इसमें सिर्फ हमें डेफिनेशंस नोट करनी है जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो मैं आपको आज ही इस वीडियो के बाद सेंड कर दूंगा. इसके बाद, व्हाई इज़ बेटर टू यूज़ डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट. एक रूलर का यूज़ करना डिवाइडर का यूज़ करना रूलर से बेटर क्यों है, क्योंकि डिवाइडर देखो क्या होता है. डिवाइडर होता है जो हमारे कंपास के साथ आता है, ये वाला डिवाइडर का जब हम यूज़ करते हैं तो एक्यूरेट मेजरिंग होती है. एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही मेज़रमेंट होता है. स्केल को हम हिला भी देते हैं, सही पॉइंट से मेज़र नहीं करते हैं, कुछ बच्चे कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसलिए डिवाइडर ज़्यादा बेटर होता है. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कीजिए. तो ये हमने बना दिया ए और बी. से ए बी टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी. एक पॉइंट हमने ले लिया सी जो कि ए और बी के बीच में है, इसको पॉइंट बनाना है. ठीक है भाई, तो ये सी पॉइंट हो गया. मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी. आपको लाइन मेजर करनी है ए बी, ये पूरी लाइन, और बी सी ये पूरी लाइन, और देन आपको बताना है ए सी और सी बी, मतलब ये दोनों पार्ट्स मिला करके इस पूरी लाइन के इक्वल होते हैं या नहीं होते. तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल काम है. इस चैप्टर में आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है, ना कि उन्हें रटना है या लिखना है. तो ये 5.1 में. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर थ्री पॉइंट लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 5. ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं, ए बी दे रखा है 5, बी सी दे रखा है 3, देन ए सी इज 8, विच वन ऑफ देम इज लाई बिटवीन द टू. तो फिर कौन सा पॉइंट बीच में होगा. तो देखिए 5 और 3 और इन दोनों को मिला के 8 हो गया, तो कौन सा पॉइंट बीच में होगा, बी पॉइंट बीच में होगा, तभी तो बनेगा 5 + 3 = 8. तो यहाँ सिर्फ समझने की चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको. नेक्स्ट हम बात करें, Verify whether D is the midpoint of AG. आपको verify करना है कि AG का midpoint ये है. तो midpoint कौन होता है, देखिए A से लेके G तक की बात करें तो 1 से लेके 7, तो कितने चले, 6 डिजिट चले. अब 6 का midpoint क्या होता है, बीच का पॉइंट. तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, 3. तो मतलब A से भी कितने पॉइंट चलो, 3, 1, 2, 3 कहाँ गए, D पे.
और जी से भी 1, 2, 3 कहाँ गए डी पे, तो ये हमारा डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है भाई। सो यहाँ पे नेक्स्ट है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देखिए यहाँ पे चार पॉइंट्स की कंडीशन है, आपको सिर्फ एक डायग्राम बनाना है ए बी सी और डी इस तरीके से, और प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो देखिए चारों को आप, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आप एक कंप्लीट लाइन कितने सेंटीमीटर की लोगे, 6 सेंटीमीटर ले लीजिए और उसको नाम दे दो ए डी। फिर 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट बनाओ बी, 4 सेंटीमीटर पे बनाओ सी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ का भी गैप 2 सेंटीमीटर और यहाँ का भी गैप 2 सेंटीमीटर, पूरी लाइन हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गया। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स, मीजर देयर साइड, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन 3rd साइड। ये एक रूल है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन 3rd साइड, कि एक जो ट्राइंगल होता है उसकी 2 साइड्स का सम ऑलवेज तीसरी से, हमेशा लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द 3rd साइड, कि 2 साइड्स की जो लेंथ होगी उससे कम ही होगा उसका सम। तो ये आपका 5.1 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। तो राइट एंगल कौन होता है, राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, और स्ट्रेट एंगल कौन होता है, जो बिल्कुल अपोजिट एंगल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे नॉर्मल सी एक बात लिखी गई है, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कि हमारा फेस अगर नॉर्थ में है और हम एग्जैक्टली साउथ में मूव कर जाते हैं तो एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का होगा, और 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और दूसरी कंडीशन, अगर हमारा फेस नॉर्थ में है और हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। जस्ट राइट साइड में अगर हम घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज घूमें या एंटी क्लॉकवाइज घूमें, एंगल हमेशा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। आफ्टर दैट 5.2, वॉट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक वाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू। अगर हम 3 to 9 घूमें, देखिए मैं एक क्लॉक बना देता हूं पहले, हम एक क्लॉक की बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है, 12, 6, 9, 3। अगर हमें 3 से और 9 पे आना है तो देखिए पूरा एक रोटेशन इस तरीके से करना पड़ेगा, हाफ रोटेशन, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल। कौन सा बनेगा, स्ट्रेट एंगल। 4 से अगर 7 पे आना है तो बनेगा राइट एंगल। कौन सा बनेगा, राइट। 7 to 10 में, अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप 3 डिजिट चलते हो, अगर आप किसी क्लॉक में 3 डिजिट चलते हो तो राइट एंगल बनता है। 6 डिजिट आप मूव करते हो देन क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। तो 4 to 7 में हम 3 डिजिट चले, राइट बनेगा, या स्ट्रेट था। 7 to 10 में भी राइट बनेगा। 12 to 9, तो देखिए 9 और 12 में कितना डिफरेंस है, 3, तो वही राइट एंगल बनेगा। 10 to 1, तो देखिए आप क्लॉक में देखिए 10 यहाँ पे आता है, फिर 11 आता है, फिर यहाँ पे 1 आता है, तो कितना चले, 1, 2, 3, तो कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। 6 to 3, यहाँ भी कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हमें बताना है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। देखिए 12 से स्टार्ट करती है और हाफ रिवॉल्यूशन करती है क्लॉकवाइज, हाफ रिवॉल्यूशन में वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो कितने पे आ जाएगी, 3 पे। 12 पे थी तो हाफ रिवॉल्यूशन में 3 पे आ जाएगी। फिर वो बोलता है 2 से स्टार्ट करना है और हाफ रिवॉल्यूशन के बाद, हाफ मतलब होता है 90 डिग्री रिवॉल्व करना है, और 90 डिग्री मैंने आपको बोला कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो कहाँ जाएंगे, 5 पे, 3, 4 को छोड़ के कहाँ जाएंगे,
फाइव पे। नेक्स्ट है फाइव से स्टार्ट करें, वन सेकेंड देर इज़ ए मिस्टेक। अगर हाफ रिवॉल्यूशन होता है तो जस्ट सामने वाले पे पहुंच जाते हैं, तो फर्स्ट का आंसर होगा सिक्स। सेकेंड का आंसर जब हम लेंगे तो हाफ रिवॉल्यूशन में टू के जस्ट सामने होता है एट, क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन में 180 डिग्री बनता है। फिर आते हैं अगर फाइव से स्टार्ट करें तो 1/4 रिवॉल्यूशन में, 1/4 का मतलब है देखिए हाफ में तो अपन आधा पहुंच रहे थे, 1/4 में 6, 7, 8 पे पहुंच जाएंगे, सिर्फ तीन डिजिट मूव करते हैं। और अच्छा 3/4 का मतलब क्या होगा, देखिए 1/4 में कितने डिजिट चले 3, 2/4 में 6, 3/4 में 9 डिजिट, तो 5 से 9 डिजिट मतलब वापस कहाँ जाएंगे 2 पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 13-14 तो होते नहीं है तो 2 पे आ जाएंगे। अच्छा ये हमारा क्लॉक का सिस्टम था। नेक्स्ट है विच डायरेक्शन विल यू फेस, आप कौन सी डायरेक्शन में होगे अगर आप ईस्ट में हो, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये कंडीशन है। अगर आप ईस्ट में हो और हाफ रिवॉल्यूशन करते हो तो जस्ट सामने पहुंच जाओगे कहाँ, वेस्ट में, कौन सी साइड में, वेस्ट में। अगर आप ईस्ट में हो और वन एंड हाफ देखिए वन करोगे पूरा रिवॉल्यूशन तो वापस वहीं आ जाओगे, और हाफ और करना है तो वापस वेस्ट में। वेस्ट में अगले में पूछता है कि आप वेस्ट में हो एंड 3/4 रिवॉल्यूशन, देखिए वेस्ट इधर है तो आप हाफ में तो यहाँ आ गए, तो 3/4 में कहाँ जाओगे, साउथ में, 3/4 में कहाँ आ जाओगे, साउथ में। और फोर्थ में पूछता है आप साउथ में हो और मेक वन फुल रिवॉल्यूशन, एक पूरा रिवॉल्यूशन बनाते हो तो आप आ जाओगे वापस साउथ में, क्योंकि एक पूरा चक्कर काटने के बाद इंसान उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया होता है, ये तो आपको सबको पता है। वॉट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ, अब हमें रिवॉल्यूशन बताना है, अभी तो हमें रिवॉल्यूशन दिया था और साइड बतानी थी, वही चलते हैं। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट से कितना टर्न करना है क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, ईस्ट से क्लॉकवाइज, सॉरी मैं एंटी क्लॉकवाइज चल गया, घड़ी की जो डायरेक्शन होती है उसी में। देखिए ईस्ट से नॉर्थ आने के लिए यहाँ तक हो गया हाफ और ये हो गया 1/4, तो कितना करना पड़ेगा 3/4, पहले वाले में कितना आंसर आया 3/4। दूसरी की बात करते हैं, साउथ में थे और टर्न किया किधर, क्लॉकवाइज टू द ईस्ट, तो देखिए साउथ से ईस्ट मतलब 1, 2, 3, तो 3/4। नेक्स्ट में पूछा है वेस्ट में हो, इधर हुआ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस्ट ईस्ट, और फेस किधर करना है ईस्ट में, तो एक और दो, कितने क्वाड्रेंट क्लियर करे, दो, तो 2/4 यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है भाई। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू द बाय आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, देखिए 3 to 6 कितने डिजिट चले 3, तो कितने राइट एंगल बनेंगे 1, है ना, तीन डिजिट में एक बनता है। 2 से 8 पे आए तो 6 डिजिट चले मतलब कितने बनेंगे 2, 3 डिजिट में एक बन रहा है। 5 to 11 पे आए तो भी कितने बनेंगे 2, क्योंकि 6 डिजिट चल रहे हैं। 10 to 1 एक बनेगा, देखिए 10 के बाद 11, 12 और 1, है ना। 12 to 9 से हम आ गए 9 पे, तो 9 डिजिट चले तो 3 डिजिट में एक होता है, तो 9 डिजिट में 3 रिवॉल्यूशंस होंगे। आफ्टर दैट 12 to 6 जस्ट अपोजिट हैं, तो 2 राइट एंगल्स हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। आफ्टर दैट हम बात करें सिक्स क्वेश्चन के लिए, हाउ मैनी राइट एंगल्स साउथ से टर्न करना है क्लॉकवाइज टू द वेस्ट, तो देखिए 1 रिवॉल्यूशन होगा। नॉर्थ से टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज टू द ईस्ट मतलब उल्टा टर्न करना है, अब उल्टा करते हैं तो नॉर्थ से इधर आना है ईस्ट में, तो 1, 2, 3, तो 3 रिवॉल्यूशंस 90। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, आप वेस्ट में ही हो और वापस वेस्ट में आना है, देखिए वेस्ट से वापस वेस्ट तो पूरा एक चक्कर घूमना पड़ेगा, और पूरे में 1, 2, 3, 4 राइट एंगल्स बनेंगे। और साउथ टू नॉर्थ,
आप साउथ में हो और नॉर्थ में हो, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, कितने राइट एंगल, वन और टू, इधर से भी वन और टू, तो यहाँ टू आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टार्ट। देखिए सिक्स के बाद वन राइट एंगल बना रहा है, तो सिक्स के बाद सेवन एट नाइन, कहाँ जाएंगे, नाइन पे। एट के बाद टू राइट एंगल, टू राइट एंगल मतलब कितने डिजिट, सिक्स डिजिट, तो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन और टू, कहाँ जाएंगे, टू पे। टेन के बाद थ्री राइट एंगल्स, तो ट्वेल्व सॉरी इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, किधर आ जाएंगे, सेवन पे। और सेवन के बाद दो स्ट्रेट एंगल्स, स्ट्रेट मतलब देखिए सेवन से स्ट्रेट चलेंगे बिल्कुल सामने, सेवन के सामने होता है वन, है ना, फिर वापस स्ट्रेट चलेंगे क्योंकि दो बार स्ट्रेट चलना है, तो वापस कहाँ आ जाएंगे, सेवन पे। तो ये था हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। तो यहाँ हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आफ्टर दिस वीडियो वी विल स्टार्ट 5.3।